है ना, पसंद करती है ना? अरे हरामी हो बेटा। क्या दिया तुम अपने मामी को गिफ्ट? सोने की अंगूठी दिया। माशाल्लाह। हाँ भाई, मुंबई से सोने खाने के लिए आया आप? मॉर्निंग का टाइम हो रहा है ना, दिन के 10 बज रहे भाई। हम आए वसीम भैया के घर पे एंड यहाँ पे ना, मेरे को भाई फर्स्ट बता दूँ कि आज मेरे को स्पेशल टी मिला भाई भाभी के द्वारा। पी ले बाबू, पी ले। सो गाइस, अब थोड़ा बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बोले ना, मतलब सुबह से ही कंटिन्यू बारिश हो रहा है। कल रात में भी कुछ हुआ था तो हम अंदर चले गए थे सोने के लिए, उसके बाद फिर बाहर निकले तो भाई बारिश ही बारिश देखने को मिला। तो उसके बाद फिर रात बस एडिटिंग प्रोसेस था गाइस। अब आज ना रबर भैया का बोले तो वलीमा है, क्या सिस्टम होगा वो चीज़ें कल क्लियर नहीं आया, बिकॉज ना इतना बारिश हो रहा ना, क्या बताऊँ, पूरा मौसम छितर बितर किया हुआ गाइस। तो अभी चल के देखेंगे क्या है नहीं है, अभी बारिश में ही बोले तो पूरा। हाय, अस्सलाम वालेकुम, यू वांट टू ड्रिंक चाय? हाँ ब्रो, तारजन भाई, यू वांट टू ड्रिंक चाय? थैंक यू ब्रो, ले ले, यू कैन टेक वन। तौबा तौबा, बहुत गंदा लाल जो है ना, उसका जो लैंग्वेज है ना बहुत गंदा, हम लोग सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हो गया ए राजन भाई, वहाँ प्रोसेस में है सब खाना वाना? आप लोग बहुत, हाँ बिल्कुल, बहुत काम है गाइस। हम लोग टंडेली कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्राइवर भैया अगर वीडियो देखेंगे बोले सुबह से तुम टंडेली की हो भाई, मेरे वलीमा में कुछ काम नहीं किया। कल होगे रिटर्न बैक बोले तो कर्मा वापस आता, वो मेरे इसमें काम नहीं करेगा भाई। फटाफट उसके बाद जाओ, तुमने पिएगा चाय? बाबू चाय नहीं पिएगा? यहाँ पे अस्त्याग भी आ गया चाय पीने के लिए, मतलब खुशबू उधर भी चले गया था का सुल्ताना का। मुसलसल हम आधे घंटे के बाद निकले, लेकिन फिर भी भाई यहाँ पे बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा, बिल्कुल भी नहीं ले रहा थमने का नाम। और पहले तो भाई बारिश में जमाल भैया बहुत खट रहे, बहुत मेहनत कर रहे जमाल भैया, नींद पूरा हुआ। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो भाई, मटन वाला सिस्टम रेडी हो गया। अरे है जमाल, हाँ मामूली बात है वाकई में, देख सकते हो भाई। और सब खैरियत? नींद पूरा हुआ कि नहीं? एंड यहाँ पे बाबा मेरे मोहल्ले के लोग देख रहे हो। सलाम अलैकुम, खैरियत से हैं? सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो देख सकते हैं गाइस बहुत कुछ यहाँ पे इंतजामात, लंबे लंबे इंतजामात हो रहे भाई, कट गए हैं इधर मसाला वगैरह वगैरह वगैरह, देख सकते हो भाई। हाँ मसाला वगैरह उधर भी है एंड देख रहे हो चारों तरफ पानी भर गया भाई, देख रहे हो। ये है जो मतलब एक सहारा बना हुआ भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, खैरियत है दादी? हाउज द फील, कैसा फील हो रहा है? न्यू बहू, आप बहू आई है आपके घर में, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा फील हो रहा ना वाकई में, मिल गई अच्छी, अल्लाह का शुक्र है। तो हम तो देखे नहीं अभी तक, जा रहे वीडियो बनाएंगे उधर शूट करेंगे। तो गाइस ये है रबर भाई की अम्मी वालदा, उनकी जिस तरह से इनका दिल साफ है उस तरह से इनकी बहू भी साफ है। 6 साल मुकम्मल ढूंढने के बाद भाई साहब बोले ना कि देर से आए दुरुस्त आए, बहुत मेहनत हो रहा है आपको, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि थकावट ऐसा फील नहीं हो रहा कुछ? कैसे थकावट लग रही है? ओके, थकावट तो कल नजर आएगा जब बहू चली जाएगी। चली जाएगी, सही बात। तो अभी रहना ना आपको यहाँ गाँव में? 24 तारीख। दूसरा बात, गांव में 24 तारीख को जा रहे हैं, गांव में शादी करके क्या फील हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा ना, हम लोगों को भी खुशी बांटने को मिल रहा है। जमाल भैया तो भाई बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बिजी है, लाल लाल भी भरती है लेकिन चाय वाला भरती है। चाय के लिए आया है बंदा दुबई से।
लोग जो हमारे मोहल्ले के लोग हैं ना गाइस, ये लोग ना देखने के साथ साथ चाय भी लो, वो चाहिए, घुसखोर है सब लोग। देख लो स्पेशल चाय रहबर भाई का पूरा वेस्ट कर रहे लोग, स्पेशल चाय लोग बना के बोले तो बिरयानी वाला क्या बोलते घी डाल के पी रहा वाला बटर डाला है। देख लो बड़ी गाइस, अभी ना नमाज जुहर का टाइम हो गया, नमाज जुहर का टाइम हो गया, अब हम लोग पहले नमाज पढ़ेंगे। कितना देर बजे जमात है? क्या नमाज पढ़ते हो दोस्त, दिल में घुस जाता है। तो पहले नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे क्या है। कैप्चर बर्तन भिजवाएगा, बर्तन क्या कर रही हैं आप? वजू आप तो तयम्मुम भी कर सकती हैं। अच्छा, इस वक्त वजू करते हैं, देख सकते हैं दादी हमारी वजू कर रही हैं और हम भी अब वजू करके चलेंगे नमाज पढ़ने। इतना बारिश क्यों हो रहा दादी? अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी है तो कोई याद करता है। बिल्कुल बिल्कुल, आते हैं। फाइनली घर आ गया, घर में ना मेरे को दूध पे दूध दिया जा रहा है भाई, हर बोले ना 2-3 घंटे में दूध दिया जा रहा है, पता नहीं क्यों। क्योंकि ना मेरे को कल थोड़ा सा नहीं बोलूँगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा हेवी वाला मेरे को शॉर्ट लगा, करंट लगा है क्योंकि मेरे को ना 10-10 मिनट और वो मेरे को नहीं छोड़ता ना, तो शायद आज हम आपके बीच में नहीं होते। बहुत ज़्यादा बोले ना, क्या बताऊँ, बट होना था, अल्लाह का करम था, कुछ अच्छे हमारे अमाल होंगे, काम होंगे, जिसकी वजह से हम आज आपके सामने मतलब दिख पा रहे भाई। बस दुआ करना भाई, इसी तरह बहुत ऐसे मतलब मेरे साथ कांड होते रहते हैं, तो प्लीज़ वो पे फॉर्मी। तो भाई दूध पे दूध आ रहा, हर 2 घंटे में मेरे पास दूध आ जा रहा, पीना वगैरह आ जा रहा, बहुत ज़्यादा लॉस किया हूँ अपने बोले ब्लड को, बट कोई कुछ ज़्यादा लापरवाही हमारा ही था भाई। एंड अभी खाना खाया नहीं बिकॉज लेट से नाश्ता किया, एंड अभी वहाँ पे बच्ची वगैरह सब लोग बोले तो अपना अपना काम कर रहे, तो हम सोचे थोड़ा सा रेस्ट किया जाए, क्योंकि बिकॉज रात में आज हो सकता है लेट तक जागना हो। एंड ड्राइवर भाई भी सोए हुए, हम गए थे ड्राइवर भाई साहब, लेकिन वो भाभी के रूम में सोए हुए थे, तो भाई इसका जल्दी तो भाभी से मुलाकात नहीं करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे, आपको भी कराएंगे, एंड और कुछ दिखाएंगे। अभी खाना वगैरह बांटना पड़ेगा, तो बंदों का कॉल आएगा भाई, खाना भी बांटना, तो चलेंगे अपने साथ में, खाना वगैरह भी बांटेंगे। कहीं बहुत अच्छा लग रहा है, पानी पड़ा थोड़ा सा कचड़ा कर रहा, लेकिन इंशाल्लाह शाम तक अगर क्लियर हो जाए तो बेहतर ही जाएगा। कोई थोड़ा सोएंगे, थोड़ा लेटिंग या थोड़ा एडिटिंग करेंगे गाइस। सो आई होप कि ये ब्लॉग भी बहुत पसंद आएगा आपको, जिन्होंने जो नए हमारे चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर देना, एंड लाइक करना यार, जो भी ब्लॉग देख रहे हो ना ब्लॉग को लाइक करके जाना, कमेंट करना अगर टाइम हो तो, नहीं तो फिर सब्सक्राइब तो करना बनता है भाई। थैंक यू, इंस्टाग्राम का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन रहता है, प्लीज़ वहाँ भी जाके कमेंट करना, फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू मैम। ये लड़की है और ये लड़की को दावत नहीं मिला वाली मामे, लेकिन फिर भी बोल रही है कि हम रेडी होके जाएंगे। हम जाएंगे। क्यों जाओगे तुम रेडी होके? नहीं नहीं तो वलीमा तो तुमको मिलेगा तब ना, तुमको तो दावत ही नहीं दिया गया, ऐसे ही तो खाना तुम्हारे घर में आ गया, तुमको जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो लड़की को देखूंगी, लड़की का तो फोटो ले लेंगे, देख लेना तुम, ठीक है? नहीं नहीं जाओगी, बिल्कुल नहीं जाओगी, ठीक है भाई। हम नमाज पढ़ के निकले थे, देखो भाई मेरे भाई लोग सब लोग बिरयानी बांट रहे। मुर्शिद अरे तुम भी है, कहा हुआ सबको बांट रहे, पूरा मोहल्ले में है। तो भाई अभी पूरा मोहल्ला में तकसीम किया जा रहा है, देख सकते हो शाहजहाँ हमारे सेक्रेटरी साहब के द्वारा बहुत मेहनत कर रहे भाई। ये जिम्मेदार साहब है भाई यहाँ पे, ठीक है, दुबई से आया चाय बनाने के लिए लड़का लोग। कहा हुआ भाई तुम्हारा घर यहाँ है? हर तरफ 2-3 घर में तुम लिया, जोर ज्यादा ज्यादा करके एक प्लेट भी लिया है, एक एक्स्ट्रा भी लिया वहाँ पे, देख ले भाई रबर भाई, एक एक प्लेट लोग घुस खा रहे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दे दे रहा भाई रिफ्रेश वाले को। आपी एंड देख सकते हो भाई मटन बिरयानी हमारे गांव में मोहल्ले में तकसीम किया जा रहा है गाइस। उसमें क्या तुम्हारा?
आप इसे कुछ सवाल करता है, कितने लोग आप लोग? मतलब 6 लोग टोटल। तो नॉर्मल है, कोई भी लगाता हम बोला नहीं 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 वो तो नॉर्मल आप ही हैं। तो फाइनल अब आप खाना खा लेंगे, काफी दिन क्या बोल रहा है यार, तीन तीन प्लेट ले रहे, मतलब गोदिया गोदिया देख के मतलब अटैच कर दे रहे हो? नहीं खाएंगे 9 बजे बजते बजते 100 मिनट, मतलब अरबाज का भी हिस्सा तुम नहीं खाओगे? अरबाज बोला होगा तुमको वीडियो कॉल करके? नहीं वीडियो में रख। क्या बोल रहे आप, कब हमारा शादी कब करेंगे? तेरा शादी हो जाएगा रजब में। कब? पक्का? तो पक्का था। तो गाइस ये हमारी दादी हैं, तो यहाँ का मुसाता, और इनसे हम बार बार सवाल यही करते हैं जब भी मिलते हैं कि सब जगह तू ही कर दे, हमारी शादी कब कराएंगे आप? रजब में तो बोल रहे हैं। वो बोले तो ऑलमोस्ट ना अभी ऑन द वे है, जो बारात आने वाले हैं लड़की के फैमिलीज की तरफ से गाइस, रबर भैया के बोले तो ससुराल की तरफ से जो लोग आने वाले लेने के लिए भाई, वो लोग ऑन द वे है, वहाँ से निकल गए भाई, आधे घंटे का रास्ता है, और हमारे पास ना अभी तक पैकिंग का सामान मुकम्मल रेडी नहीं हुआ। देखो मतलब लोग पैकिंग कर रहे हैं, वो चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं आपको, एंड माली वगैरह ना पूरा बोले तो अपना सेटअप कर दिए हैं, एंड जहाँ तक हो रहा है मतलब हो रहा है, देखिए बट हम लोग डीले हैं उस हिसाब से, हम लोग बहुत डीले गाइस। कब करो भाई, काका बचा है, पकौड़ा वकौड़ा रेडी है? और चिल्ली का ये ग्रेवी है गाइस, एंड पकौड़ा ऑलमोस्ट हमारा रेडी है। तो ये फातिया हुआ कि नहीं है गाइस, ये थोड़ा देख ले रहे हैं क्या? ठीक है, बहुत तगड़ा, बहुत टेस्टी बोला दादा, बहुत टेस्टी, खाओ खाओ जवाब। और यहाँ पे ना ये हमारे दोस्त हैं भाई, चलाते हुए आइसक्रीम लाई, नहीं आइसक्रीम, आइसक्रीम नहीं आइसक्रीम नहीं। अच्छा, एंड यहाँ पे गाइस दिन में तो दिख नहीं रहा था, लेकिन आप लोगों को अभी रात में दिखेगा, बिकॉज यहाँ पे बरातियों का सरातियों का खाना खाने का सिस्टम चल रहा, बिकॉज ना बहुत ज़्यादा हेवी वाला बारिश हो रहा भाई, देख रहे हो पूरा ज़मीनें भींगी हुई हैं, तो भाई इसको पूरा बजापते ना पूरा सेटअप के साथ अच्छा लग रहा नहीं भी ना। तो एक बार में 50 आदमी खा लेंगे भाई, 50 आदमी हो जाएगा ना एक बार में, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 टेबल लगने वाला है यहाँ पे। अन्ना भाई क्या कहना चाह रहे हैं आप? कुछ काम नहीं था। आप सुने कि दोपहर से खाना नहीं खाए आप बिरयानी के चक्कर में बहुत ही देंग मुखिया जी दोपहर से अन्ना भाई खाना नहीं खाया भाई, उसको पहले हमको बैठाना है। चेयर देख मुखिया जी तो भाई ऑलमोस्ट बोले तो मोहल्ले के लोग ना यहाँ पे बोले तो मतलब स्टार्ट हो गया जो खाना वाला जो रस्म होता है ना मोहल्ले के लोग भाई फर्स्ट में बोले तो यहाँ पे हमारा जो सिस्टम चल रहा ना हिंदू से लेके हिंदू भाई से लेके मुस्लिम सबका दावत है भाई, यहाँ से लेके दूसरे मोहल्ले तक का गाइस, मतलब नहीं भी तो 2 से 3 घंटे चलने वाले भाई खाना का जो सिस्टम है रस्म। तो
वो चीज़ें देखने वाले हैं, बहुत कैप्चरिंग मोमेंट। और ये ना दो तीन बंदे मेरे को ऑब्जर्व किए हैं कि भाई तेरा टी शर्ट में है करा, तो अभी चलेंगे भाई टी शर्ट चेंज कर लेंगे गाइस। उसके बाद फिर हम भी अपना जो प्रोसेस है वो चीज़ें देखेंगे। जिन जो नए हमारे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट कर देना। बस अब पहले जाके ना टी शर्ट चेंज करते हैं, ठीक है ना। जब लोग इन लोगों को पहला राउंड है ये चल रहा है, उन लोगों को खाने देते हैं हम, जब तक टी शर्ट वगैरह चेंज करते हैं मतलब अच्छे से। फेस वॉश तो है नहीं, लाए नहीं यार, लेकिन चलते हैं ट्राई। कुछ भी नहीं है तेरे आई एम रेडी टू आई एम रेडी एंड देख सकते भाई बाल भी रूखे सूखे, नो फेस वॉश। नहा लो कहाँ मेरा जी, इसमें ना कुछ बोले तो क्या बोलते सीक्रेट चीज रखा हूँ मैं रेवर भैया को देने के लिए, मतलब भाभी को देने के लिए गई। एंड लाल भी कुछ ले लिया, तो इसमें कुछ तभी फर्स्ट बोले तो हम लोग जैसे ही उधर से आए ना नमाज पढ़ के, तो पता चला मेरे को कि लाल गिफ्ट देने के लिए आया भाई। भाभी भैया बैठ गए यहाँ पे एंड लाल कितना शर्माता है ना ये बंदा, समझ में नहीं आता भाई, शर्मा रहा है। सो फाइनली लोग यहाँ ना, ओहो उधर घुमाइएगा, ओ चाचा उधर घुमाइए तो लड़का का तरफ, लड़का की तरफ घुमाइए तो। अबे बहू से हाथ मिलागा बेबी, याद करता। फाइनली लाल दे दिया भाई जो देना था इसको, बहुत शर्मा रहा था। और ये ना बोले तो क्या बोलते ससुरों के ये बंदा हाथ मिला रहा, गलत है कि नहीं, हम इसका बायकॉट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट कितना ट्रिप चल गया भाई, ये दूसरा ही जा रहा अभी तक, हम नमाज पढ़ लिया वगैरह बहुत। अच्छा तो भाई साहब गाइस क्या दिया तुम अपने मामी को गिफ्ट, सोने की अंगूठी दिया माशाल्लाह। कहा भाई मुंबई से सोने खाने के लिए आया आप, कलकत्ता से? अच्छा कोलकाता से हो, फिर हम लोग भाई भाई। क्या बोल रहा मुखिया, तो दो घंटे से खड़ा था खाने के लिए मगर। शायद कहा दादा कैसा लग रहा, टेस्टी है ना आपको, टेस्टी मिस्टर भाई बताइए कुछ कैसा लग रहा, जाएगा तगड़ा है ना। हाँ वही अभी तक जो भी फीडबैक आया ना गाइस, बहुत तगड़ा वाला फीडबैक आया, समझ रहे हो बेटा, कैसा लगा बेटा, अच्छा लगा ना, बोलो कस के खा, बाप यहीं पर तेरा कल। गाइस कुछ टाइम के बाद भाई अब अपने को भी भूख लगा, तो हमारे जितने भी दोस्त लोग हैं ना हम लोग इकट्ठा होकर बैठे हैं, महमूद भाई हैं, शानवास भाई हैं, त्याग भाई हैं, और उधर नदी का दुकान वाला भाई, वकील भाई हैं, मुर्शिद भाई हैं, दादा हैं हमारे, मतलब सब लोग एक चेयर पे हम लोग बैठे हैं, देख रहे हो। अभी तक लोगों से फीडबैक अच्छा ही सुना खाने का, खा लेंगे ना मतलब उसके बाद बताते आपको कैसा, ठीक है ना, उसके बाद हम आपको फीडबैक बता रहे हैं भाई। अच्छा से खिलाना भाई, इमरान भाई खिलाएगा भाई। इमरान कैसा लगा खाना, टाइम नहीं है इस बार, थोड़ा सा टाइम खाना एक लगा। हाँ तो हम लोगों को भी खिलाइए, हम खाए हमसे। हाँ कैसा लगा बॉस, चिकन चिल्ली बहुत अच्छा था, बिरयानी भी बहुत टेस्टी था, खा के मजा आएगा, मजा आएगा ना, खा लिया तो हम लोग लाइए खिलाइए अब आपका। हाँ आपका पारी है, घर में अब चल पाओगे शहर में। तो गाइस अब ना खाना तो हम शिकम शेर हो गए हैं, अब वो मेरे को थोड़ा गिफ्ट वाला सिस्टम देखना पड़ेगा, मेरे को ज़्यादा लेट करेंगे ना तो गिफ्ट दे नहीं पाएंगे, लड़का उड़ जाएगा, फिर भाभी के साथ फोटो शूट नहीं कर पाएंगे, इस वजह से पहले गिफ्ट वाला सिस्टम क्लियर करना। क्यों क्यों सैड आप, क्यों सैड आप दिख रहे, अब
के चले पाओ मेरे दिया के शहर में। अब गाइस अब थोड़ा ना गिफ्ट देने का टाइम आ गया, सब लोग दे दिए। महमूद भाई बोले भाभी का डर से गिफ्ट देने नहीं जा रहे। तो गाइस अभी हम महमूद भाई दोनों साथ में जाएंगे और महमूद भाई थोड़ा शाई कर रहे हैं, पर कोई नहीं चलेंगे, अभी हम लोग गला मिलने वाले। हाँ दिए गिफ्ट भी दिए कुछ भाभी को ले आया, उससे ज्यादा गिफ्ट और क्या चाहिए। ये तो शॉर्ट गॉट में तुम दिखा रहे भाई। कहा गिफ्ट दिया कुछ? गिफ्ट दिया क्या? दिया गिफ्ट कुछ? ये कौन सी बात हुई? फाइनली बर्थडे हम आ गए भाई भाभी के साथ और भैया के साथ दोनों। और कैसा फील हो रहा है आपको चप्पा में? चप्पी में रहना क्या कर रहे ना हम लोग, तेर लोग पसंद आ रहे ना समर जैकेट हैं। फाइनली भाई मीट कर लिए एंड अभी हम लोग कुछ दिए नहीं है, हम महमूद भैया दोनों साथ में हैं, लेकिन महमूद भैया बहुत शर्मा रहे, फिर भी दे देते हैं, ठीक है ना। क्या चाहिए भाभी आपको? भाभी क्या चाहिए? अरे कुछ चाहिए तो बताइए ना जी, हाजिर है। हाजिर नाजिर है। जादू कोई जिस्म नगमा कोई जिस्म खुशबू कोई ऑलमोस्ट ना फंक्शन जो था इधर गिफ्टेड वाला जो भी था वो सब खत्म हो गया है ऑलमोस्ट, देख सकते हो लास्ट सीन चल रहा भैया का एंड भाभी का। वो लोग उठ ही जाएंगे कुछ पल में, खाना खाएंगे वगैरह वगैरह देख सकते हो भाई यहाँ पे एंड अभी चलेंगे खाना की तरफ, कवर करेंगे हम अभी तक ना बरातियों को नहीं देगा भाई। वाला फोटो शूट चल रहा भाई, पता नहीं कौन कौन स्टाइल में लोग बता रहे भाई। कोई तकलीफ तो नहीं होना ब्रो आपको इधर, कोई तकलीफ तो नहीं होना? तो गाइज ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया अभी तक फोटोशूट हमारा कंप्लीट हुआ नहीं है, आंटी डायरेक्ट कर रही है फोटोशूट को। खाना वाना खाए आप? खाना खा लिए? कैसा फील हो रहा है आप अपने हाथ को सामने से? मुझे इधर आ जाओ, इधर हां एक मिनट। क्या कर रही तुम? बिना चाहिए हां बोला ऐसे बना मेरे को भी दो जो भी बाबाजी ने बनाया है बहुत ही स्वादिष्ट है खाना, बहुत लाजवाब बना है खाना, हमारा बाबाजी चिल्ली पूरी और बिरयानी भी मस्त है। नौसा भाई उन्होंने बुक किया था एक तो जो सूखा सूखा टाइप का वो नहीं है, अच्छा है। दूध तेरे के भाई आफ्टर डाइट, हम लोग भाई रात के ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं और कुटुंब साहब के साथ हम लोग चेस कर रहे हैं, बियर पी रहे हैं। अच्छा ये वाला एंड ऑलमोस्ट फोटोशूट हो ही गया है, जो दुल्हा दुल्हन वाला होता है ना पिक्स वगैरह लेना लेना सब हो गया है। वो लोग खा रहे थे तो बीच में हड्डी हम क्यों बने भाई, दोनों गोश्त एक साथ थे। और टाजन भाई, हाँ भाई कैसा लग रहा? बहुत
बहुत बड़ी बहुत रात में आया, पूरा दिन कहाँ था? पूरा दिन तो हम इधर ही थे यार। सो गाइस ऑलमोस्ट सब कुछ बेहतर रहा और कुछ है जो बहुत सारे चीज देखते थे भाई बच गए एंड यहाँ पे कुछ बैलेंस होकर गिर भी गया बट कोई नहीं। भाई लोग ठंडा लेकर आया था रात में 1 बजे जाइए ना। हाँ एंड कुछ डेग बिरयानी भी वो भी बचे, वो भी दिखा दूँ मैं आपको। ये चिल्ली अच्छा खासा बच गया एंड ये चिकन बिरयानी भी बच गया। ओ माय गॉड यार, इधर फ्राई चिकन भी बच गया। काफ़ी ना काफ़ी सामान बच गया भाई। ये नहाने भी तो दो हफ्ता चलने वाला, जब तक ड्राइवर भाई यहाँ से यहाँ रहेंगे तब तक चलेगा ही चलेगा, मेरे को ऐसा लग रहा भाई। मुहर्रम बाद तक चलेगा एंड क्या तकसीम हो जाएगा। तो गाइस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, रबर भैया भाई सफल हो गए, फुल फल गए। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर देना। I'm not afraid of the dark.